सुबाइयों, आपकी हाइट कम है, आपको नहीं समझ में आता है कि किस तरीके के आउटफिट को चूज करें, कौन सा कलर पहने, किस तरीके का फुटवेयर ले, कौन सी एक्सेसरीज आपके लिए बेस्ट रहेगी। जब भी आप शॉपिंग करने जाते हो इन सभी बातों में कंफ्यूज हो जाते हो और नहीं अपनी पसंद के आउटफिट को सिलेक्ट कर पाते हो, तो इस वीडियो में आपको वो सारी बातें बताऊंगा कि आप एक शॉर्ट गाय की पर्सनैलिटी से एक टॉल गाय की पर्सनैलिटी कैसे दे सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज इस वीडियो में वो सारी बातें आपको डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा, इसीलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। तो इस वीडियो में मैं ऑल ओवर आपको बताऊंगा कि आप एक टॉलर गाय कैसे लग सकते हो, आप एक शॉर्ट गाय होकर भी एक टॉलर गाय किस तरीके से लग सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत अभी सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी वीडियोस मैं मेंस फैशन हब पर लेकर आता रहता हूँ, तो यहीं पर ऐसी वीडियोस आपको मिलेंगी। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज ऐसा नहीं करेंगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं आएगा। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, तो सबसे पहला काम जो आपको एक टॉल पर्सनैलिटी देगा वो है आप एक टेलर्ड क्लॉथ पहनना शुरू करिए। सबसे पहले एक अच्छे से टेलर को फाइंड करिए, देन अपनी बॉडी के मेजरमेंट के हिसाब से अपने कपड़ों को बनवाइए और जो भी आपके बॉडी का साइज है उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहनिए। देखिए, फिटेड कपड़े पहनना एक शॉर्ट गाय के लिए बहुत जरूरी है अगर वो एक टॉल पर्सनैलिटी देना चाहता है, बिकॉज टेलर्ड क्लॉथ जो है वो बहुत अच्छे से हमारी बॉडी पर आते हैं और बहुत ज्यादा बेटर लगते हैं, और ये एक शॉर्ट गाय के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना हो सके बैगी क्लॉथ जो होते हैं, बैगी शर्ट्स, बैगी टी शर्ट, बैगी पैंट्स, इन सबको अवॉइड करिए, इन सबसे दूर रहिए। ढीले और लूज क्लॉथ आपको बिल्कुल भी नहीं पहनने हैं, बिल्कुल उनको अलग कर दीजिए। टेलर्ड क्लॉथ पहनना शुरू करें, इनकी आदत डालें। मैं अगर अपने पर्सनली बात करूँ तो मैं टेलर्ड क्लॉथ अभी नहीं पहनता हूँ, मैं रेडीमेड ही पहनता हूँ ज्यादातर, लेकिन आप एक शॉर्ट गाय हैं, आपके लिए टेलर्ड क्लॉथ पहनना बहुत जरूरी है, तो हो सके इसकी आदत डालिए, टेलर्ड क्लॉथ पहनना शुरू करिए, इससे आपकी टॉल पर्सनैलिटी जरूर सामने आएगी। ओके, तो सेकेंडरी हम बात करेंगे कि किस तरीके की शर्ट एक शॉर्ट गाय को पहननी चाहिए अगर वो अपनी पर्सनैलिटी को एक टॉल पर्सनैलिटी में कन्वर्ट करना चाहता है। तो देखिए, अब जहां पर शर्ट की बात आती है तो मोस्ट ऑफ द मेंस को मैंने देखा है वो चेक शर्ट को ज्यादा प्रीफर करते हैं, चेक टाइप की शर्ट जो है वो कुछ ज्यादा पहनते हैं। लेकिन पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं एज अ शॉर्ट गाय आपको मना करूंगा कि आप बिल्कुल भी चेक शर्ट ना पहने, उसको अवॉइड कर दें, और जो बिग स्क्वायर चेक शर्टें होती हैं उनको भी बिल्कुल अवॉइड कर दें। अगर आप एक शॉर्ट गाय हैं और आप चाहते हैं कि किस तरीके की शर्ट आप पहने, तो आपको जो है प्लेन शर्ट और प्रिंटेड शर्ट आपके लिए बेस्ट रहेंगी। ये दोनों टाइप की शर्टें जो है वो 100% आपकी पर्सनैलिटी को टॉल दिखाएंगी अगर आप एक शॉर्ट गाय हैं, तो ये दोनों टाइप की शर्ट आप पहन सकते हैं। और ये जो मैंने इस टाइम जो चेक पहन रखा है, इस तरीके का चेक भी अगर आप पहन सकते हैं, तो आप इन तीनों टाइप की शर्ट को पहन सकते हैं एक्सेप्ट बिग स्क्वायर चेक शर्ट, उनको अवॉइड करना है अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को टॉल दिखाना चाहते हैं, तो ये टाइप की शर्ट आप जरूर पहन सकते हैं जिससे आपकी पर्सनैलिटी 100% टॉल आएगी। थर्ड काम जो आपको करना है अपनी शॉर्ट पर्सनैलिटी को टॉल पर्सनैलिटी में बदलने के लिए, वो है अगर आप एक शॉर्ट गाय हैं तो आपको कलर कॉम्बिनेशन का सेंस जरूर होना चाहिए, किस तरीके से कलर को कॉन्ट्रास्ट करना है, किस तरीके से कलर कॉम्बिनेशन करना है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपके पास इसका सेंस नहीं है तो मैं आपको एक इजी तरीका बता देता हूँ, इसके थ्रू आपको कलर कॉम्बिनेशन का सेंस जो है आ जाएगा। आप जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है कलर कॉम्बोज पहनना शुरू करिए। कलर कॉम्बोज से मेरा मतलब है जो आपने अपर वेयर में पहन रखा है वही आप बॉटम वेयर में पहनिए, और देन आप अपने फुटवेयर का कलर डिफरेंट कर सकते हैं। इस तरीके का जो आउटफिट है वो इस समय बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, और ये आपकी पर्सनैलिटी को भी टॉल दिखाने में बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, इसको आप जरूर ट्राई करें, बिकॉज आप जब डिफरेंट अपर वेयर और बॉटम वेयर पहनते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली शॉर्ट लगना शुरू हो जाती है। लेकिन आप पूरा अगर कॉम्बो एक पहनेंगे कलर मैचिंग का, तो आपकी पर्सनैलिटी एक टॉल पर्सनैलिटी में जरूर कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरीके के आउटफिट को आप एक बार जरूर ट्राई करें, ये आपकी पर्सनैलिटी को जरूर टॉल दिखाएगा। ओके, तो फोर्थ हम बात करेंगे टी शर्ट साइज के ऊपर। अब देखिए, मैंने इसको टी शर्ट साइंस क्यों बोला है, बिकॉज इसमें हमें, अगर आप एक शॉर्ट गाय हैं तो आपके पास प्रॉपर सेंस होना चाहिए कि किस तरीके की टी शर्ट आपकी पर्सनैलिटी को टॉल दिखाएगी। तो देखिए, एक बहुत ज्यादा बेस्ट टाइप की टी शर्ट है जो आपकी पर्सनैलिटी को 100% टॉल दिखाएगी,
और वो आज के टाइम में, अभी के टाइम में बहुत ज्यादा ट्रेंडी है और बहुत ज्यादा चल रही है, और वो है वर्टिकल लाइनिंग टी शर्ट। आप वर्टिकल लाइनिंग टी शर्ट पहनिए, वो आपके पर्सनैलिटी को 100% डॉल दिखाएगी। और आप पोलो टी शर्ट पहन सकते हैं जिनकी स्लीव्स पर स्ट्रिप्ड होते हैं, जिनकी स्लीव जो इलास्टिक होती है, उस तरीके की पोलो टी शर्ट आप पहन सकते हैं, वो भी आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा डॉल दिखाने में सक्सेसफुल है, और वो आपकी बॉडी के साथ फिट भी जरूर होनी चाहिए। तो जिस तरीके की टी शर्ट को आपको अवॉइड करना है वो है लॉन्ग टी शर्ट, फुल स्लीव टी शर्ट, और एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइनिंग टी शर्ट। ये तीनों टाइप की टी शर्ट आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है, इनसे दूर रहना है और नहीं पहननी है, बिकॉज ये तीनों टाइप की टी शर्ट है आपकी पर्सनैलिटी को और ज्यादा शॉर्ट दिखा देंगी अगर आप शॉर्ट गाय हैं। तो अगर टॉल गाय लगना चाहते हो तो उस तरीके की टी शर्ट पहनो जो वर्टिकल लाइनिंग में हो या पोलो में हो, और जिनकी स्लीव्स पर इलास्टिक हो, तो ये जो है आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा टॉल दिखाने में सक्सेसफुल है। इस टाइप की टी शर्ट आप पहन सकते हैं। अगर अब हम बात करेंगे पैंट्स की, तो उसमें मैं बस आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आप जो है फिटेड पैंटे पहनिए, टेलर्ड पैंटे पहनिए, तो आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। और अगर आप शॉर्ट्स पहनना ज्यादा पसंद करते हो तो उनको भी बैगी नहीं पहनना है, बैगी शॉर्ट्स को अवॉइड करना है और बैगी पैंट्स को अवॉइड करना है, और उस तरीके के पैंट्स को जरूर अवॉइड करें जिसमें बहुत ज्यादा बैगी पॉकेट्स होती हैं। तो ये बिल्कुल आउट ऑफ ट्रेंड है और ये आपके ऊपर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगे, आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा शॉर्ट दिखा देंगे। तो अपनी पर्सनैलिटी को टॉल दिखाना है तो पैंट्स में आप जो है फिटेड और टेलर्ड पैंटे पहनिए। और एक बात का जरूर ध्यान रखें, जब भी आप पैंट पहने तो वो हाफ ब्रेक में पहने, ना फुल ब्रेक में पहने, ना नो ब्रेक में पहने। जब भी आप पैंट पहने तो हाफ ब्रेक में पहने, बिकॉज हाफ ब्रेक में आपका एंकल थोड़ा सा शो भी होता है और पूरा भी शो नहीं हो रहा होता है। तो जी आप अगर मिड में होता है और मिड में होगा तो ये आपके पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं दिखाएगा, एक्सेप्ट आपकी पर्सनैलिटी को टॉल ही दिखाएगा। तो हाफ ब्रेक में पहनिए, ना कि फुल ब्रेक में और ना ही नो ब्रेक में, इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो एज अ शॉर्ट गाय किस तरीके का फुटवेयर आपको पहनना चाहिए, अब मैं उस बारे में बात करूंगा। तो स्नीकर्स, लोफर्स और जो है फॉर्मल शूज, ये आपके लिए बेस्ट रहेंगे। इस तरीके के जो है शूज आप फुटवेयर पहन सकते हैं, और जिस टाइप के फुटवेयर को आपको अवॉइड करना है वो है एक्स्ट्रा बल्की शूज, लाइक बूट्स और जर्सी बूट्स वगैरह जो होते हैं, इनको हाई एंकल शूज जो होते हैं आपको कम्प्लीटली अवॉइड करने हैं, बिकॉज ये जो है आपकी जो हाइट है वो शॉर्ट है, और ये बल्कि शूज जो है आपके जो पैर की लेंथ होती है कम है उसको कवर कर लेंगे। जब आप ये बल्कि शूज पहनेंगे तो आपकी हाइट जो है वो और कम लगेगी और ज्यादा शॉर्ट लगेगी। तो अगर आपकी पर्सनैलिटी को आप टॉल दिखाना चाह रहे हो तो स्नीकर्स, लोफर्स और फॉर्मल शूज टाइप के शूज जरूर आप पहन सकते हो। ये टाइप के फुटवेयर आपके लिए बिल्कुल बेस्ट रहेंगे, और इस टाइप के फुटवेयर आप ट्राई करो, आपकी पर्सनैलिटी जरूर टॉल आएगी। एक फाइनल चीज जो आपकी पर्सनैलिटी को शॉर्ट, अगर आप एक शॉर्ट गाय हैं तो वो आपकी पर्सनैलिटी को और ज्यादा शॉर्ट दिखाती है। मेरे पर्सनल व्यूज से मैंने ये पॉइंट इसमें रखा है, बिकॉज मुझे लगता है ये भी एक कॉज है जिसके थ्रू आपकी पर्सनैलिटी जो है और ज्यादा शॉर्ट लगती है, और वो कॉज है आपकी बॉडी लैंग्वेज। आपकी अगर बॉडी लैंग्वेज क्लियर नहीं है तो आपकी पर्सनैलिटी जो है शॉर्ट लगेगी। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को टॉल दिखाना चाहते हो, एक कॉन्फिडेंट बंदे बनना चाहते हो, तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को जरूर ठीक करो। लाइक मोस्ट ऑफ द मेंस को मैंने देखा है जो शॉर्ट होते हैं या फिर जो स्किनी होते हैं वो अपनी बॉडी टाइप को कुछ इस तरीके से रखते हैं, देन कुछ ऐसा रहते हैं। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को जरूर ठीक करो, अपनी बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा ओपन करो, इस तरीके से रहना सीखो, लोगों से खुलकर बात करो, क्योंकि ओपनली बात करोगे तो कुछ ज्यादा बेटर, ज्यादा कॉन्फिडेंट वे में जाकर आप लोगों से बात कर सकते हो। और अगर आप एक शॉर्ट गाय हो तो ये बिल्कुल ही मत सोचो कि आप किसी को अप्रोच नहीं कर सकते हो या फिर किसी को इंप्रेस नहीं कर सकते हो। जहां पर गर्ल्स की बात होती है तो बहुत से शॉर्ट गाय सोचते हैं कि वो किसी गर्ल्स को अप्रोच नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं मोस्ट ऑफ द गर्ल्स ऐसा नहीं सोचती हैं कि आपकी हाइट मैटर नहीं करेगी उनके लिए। आपका अगर कॉन्फिडेंट है आपके पास, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, आपका ड्रेसअप सेंस अच्छा है, तो सारी गर्ल्स को आप अप्रोच कर सकते हो। इट डजेंट मैटर कि आपकी हाइट क्या है, शॉर्ट है या टॉल है, आप अप्रोच कर सकते हो, आप किसी भी प्रेजेंटेशन को अच्छे से दे सकते हो लोगों के सामने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी हाइट को लेकर। आपके अंदर कॉन्फिडेंट जरूर होना चाहिए। सो वीडियो ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और साथ ही साथ एक कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो